सीएम धामी ने जनमिलन कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम ने कार्यक्रम को वर्चुअली किया संबोधित। सीएम ने केदारनाथ धाम के गलत इस्तेमाल का किया विरोध। हिंडरबर्ग ने अडानी समूह से आरोपों की ओर रुख किया। विपक्षी पार्टियां सेबी चीफ माधवी पुरी बिच के इस्तीफे की कर रही मांग। विपक्षों ने 22 अगस्त को ईडी घेराव का लिया फैसला। खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु कुंडरी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। जुना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का मंगलवार को मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया है, जिससे जुना अखाड़े सहित समस्त संत समाज में शोक की लहर फैल गई है। जुना अखाड़े की देश में स्थित सभी शाखाओं, आश्रमों और मुख्य पीठों पर शोक सभा और शांति पाठ का आयोजन किया जा रहा है। जुना अखाड़े द्वारा 3 दिन तक शोक घोषित किया गया। पायलट बाबा को हरिद्वार के कनखल में भू समाधि दी जाएगी और साथ ही जुना अखाड़े के संतों ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पायलट बाबा एक सच्चे योगी और समाज की, देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा आज करीबन 4 बजे ब्रह्मलीन हो गए। पायलट बाबा के जाने का बहुत अत्यंत दुख है और उनकी क्षति कोई पूरी नहीं कर सकता। किस किस वरिष्ठ महामंडलेश्वर के पद पे रहे और उनके कार्य तो पूरे देश भर में धार्मिक कार्य चलते रहे। अखाड़े को उनके जाने की बहुत बड़ी क्षति है। देहरादून अंकिता हत्याकांड के आरोपियों पर शिकंजा। कोर्ट के आदेश पर ट्रायल ने निर्देश। आरोपियों को दोषी साबित करने के लिए होगा ट्रायल। विभिन्न क्षेत्रों में करते थे आपराधिक गतिविधियां। आरोपी करते थे अवैध धन अर्जित। समाज में बनाया भय का माहौल। आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देहरादून अंकिता हत्याकांड के आरोपियों पर शिकंजा। कोर्ट के आदेश पर ट्रायल के निर्देश। आरोपियों को दोषी साबित करने के लिए होगा ट्रायल। विभिन्न क्षेत्रों में करते थे आपराधिक आरोपी करते थे अवैध देहरादून अंकिता हत्याकांड के आरोपियों पर शिकंजा। इस वक्त की बड़ी खबर कोर्ट के आदेश पर ट्रायल के निर्देश। अपराधियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज। समाज में बनाया भय का माहौल। आरोपी करते थे अवैध धन अर्जित। हरिद्वार में हर की पौड़ी कॉरिडोर को धरातल उतारना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। हरिद्वार के सीसीआर हॉल में जिला प्रशासन, स्थानीय व्यापारियों और कंसल्टेंट फर्म के बीच समन्वय मीटिंग हुई, जिसमें व्यापारियों ने मुख्य बाजारों में जगह जगह पर की जा रही मार्केटिंग का विरोध किया। वहीं कंसल्टेंट फर्म के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि योजना अभी सर्वे के फेज में है, जिसमें सरकार की ओर से किसी भी तरह के चौड़ीकरण के निर्देश नहीं है। इसलिए योजना के तहत किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कोई संभावना नहीं है। कॉरिडोर योजना के तहत सिर्फ हरिद्वार और सौंदर्यकरण किया जाना है। अरे यहां पर जो हमें बताया गया है कि ये योजना कोई कॉरिडोर की योजना नहीं है, ये सौंदर्यकरण की योजना चल रही है, तो मैं समझता हूं कि ये सब भ्रमित किया जा रहा है।
कि प्रेस के माध्यम से हमें कुछ पता चल रहा है और ये अधिकारी हमारे को कुछ कह रहे हैं। ये सिर्फ एक योजना को सरकार अपने लाभ के लिए चला रही है और जो बीच में कंपनी है। हरिद्वार के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट को लेकर जो विकास की जो योजना है उसमें कॉरिडोर के तहत अभी सर्वे का जो कार्य चल रहा है उसमें व्यापारी समाज के लोगों के कुछ संशय थे, कुछ डाउट्स थे, कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति थी, तो उसको लेकर सबकी बातों को सुना गया और उनको हमारी तरफ से बताया गया कि कार्य क्या चल रहा है। हमारे ऐसे सर्वे का जो कार्य चल रहा है उसकी तरह तरह की स्टेजेस हैं, इसमें ट्रैफिक सर्वे, टूरिज्म सर्वे हो चुका है, सबको बताया गया। अभी टोपोग्राफिकल सर्वे का जो कार्य चल रहा है इसमें जगह जगह पे जैसे जो मार्किंग्स की गई हैं वो क्यों करी गई है उनको बताया गया कि ड्रोन की कंटूर पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल है, कौन से नहीं है, तो कहीं कहीं पे डाउट्स की स्थिति थी वो क्लियर करी गई। भाई शांति कुंज से लेकर कनकल का एरिया है, मेन हरिद्वार का एरिया है, अरे में भी इस बिंदु को भी उठाया गया था। इसमें हमारी तरफ से क्लियर करा गया, सीसीआर में हमारी कॉरिडोर की टीम बैठती है, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के भी माध्यम से कोई सूचना सर्कुलेट होती है। इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून से व्यापारी संगठनों ने किया ऐलान, गांधी पार्क से निकालेंगे आक्रोश रैली। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ बंद का ऐलान। दून में बंद रहेगा बाजार, मेडिकल स्टोर समेत सभी दुकानें रहेंगी बंद, पेट्रोल पंप भी रहेंगे बंद। इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून से अत्याचार के खिलाफ बंद का ऐलान। दून में बंद रहेगा बाजार, इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून से व्यापारी संगठनों ने किया ऐलान, गांधी पार्क से निकालेंगे आक्रोश रैली। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, मेडिकल स्टोर समेत सभी दुकानें रहेंगी बंद, पेट्रोल पंप भी रहेंगे बंद। इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून से व्यापारी संगठनों ने किया ऐलान, गांधी पार्क से निकालेंगे आक्रोश रैली। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, मेडिकल स्टोर समेत सभी दुकानें रहेंगी बंद, पेट्रोल पंप भी रहेंगे बंद। रामनगर के ग्राम चिकुली में उफानते नाले में एक व्यक्ति सहित कार बहने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर रवाना हुई। दरअसल मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। खबर हरिद्वार से है, जहां रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवलोक कॉलोनी में बीती रात उस समय हड़कंप मच गया। देर रात बाइक पर सवार तीन चार युवकों ने हवा में फायरिंग कर दी, अचानक गोली की आवाज से कॉलोनी के लोग घबरा गए। बता दें कि फायरिंग करने वाले युवक तुरंत वहां से फरार हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार ये घटना वाटर बॉक्स क्षेत्र की है। इस घटना के बाद कॉलोनी में दहशत का माहौल है। कोतवाली प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। घनसाली के घुत्तू क्षेत्र में बादल फटने से भारी नुकसान हो गया है, जिसके कई मकान और मेवशियों के दबने की खबर सामने आई है। इसके साथ ही कई मोटर पुल और सड़कें ध्वस्त हो गई है, साथ ही बाजार में भी मलबा भर गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून के परकुल गांव भगवंतपुर के बीच में बहने वाली धोबा नदी में एक्टिवा से नदी पार कर रहे दो युवक तेज बहाव में बहे। एक युवक राकेश को ग्राम वासियों ने सुरक्षित निकाला और दूसरे की तलाश जारी है। लापता युवक दो दिन पहले ही नेपाल से आया था। फिलहाल लापता युवक की खोजबीन में एनडीआरएफ की टीम जुट गई है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के जगदीशपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो युवक बुजुर्ग को बेल्टों से बेरहमी से पीट रहे हैं। ये घटना पारिवारिक गृह कलेश के कारण हुई बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार बुजुर्ग के बेटे ने अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर अपने पिता की पिटाई की। घटना के बाद युवक बुजुर्ग को लेकर जगदीशपुर चौकी पहुंचे। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है दोगुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड, ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र का पहला दिन गैरसेन के भराड़ी सेन में आयोजित सत्र कई मुद्दे पर की गई चर्चा। और माननीय विधायक स्वर्गीय श्री कैलाश गहतोड़ी को श्रद्धा सुमन एवं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और माननीय मंत्रीगण और सभी सम्मानित सदस्यों को अपने से संबंध करते हुए, जो हमारी बड़ी दीदी थी आज हमारे बीच नहीं है, उनकी यादें, जो उनका व्यवहार था, जो उनका बहुत सरल व्यवहार था और जो एक शिक्षा विद से लेकर पंचायत क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष तक और उसके बाद 2 बार इस सदन की हमारे बीच सदस्य रही। मुझे 2003 में पंचायतों का सेमिनार अंगीसैंण में हुआ था, मैं उस समय ब्लॉक प्रमुख था और दीदी उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष थी। तो बहुत सारी जो उनके अंदर पीड़ा थी कि हमारी पंचायतें कैसे सशक्त हों, हमारी पहाड़ों के अंदर उस समय पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी, वो कैसे अपने को आगे बढ़ाएं,
इसके लिए बहुत सारी चर्चा और जो पहाड़ों पर हमारी तमाम मातृशक्ति का जो पीठ का बोझ था वो कैसे कम हो, हमारी केदारनाथ और क्योंकि मैं भी गंगोत्री धाम से हूं, लगातार धामों के बारे में चर्चा और जो उनके काम करने की शैली थी, जब कभी कभी केदारनाथ की उस घटना जो दैवीय आपदा वहां पर आई और उससे उभरने के लिए जो उन्होंने बहुत सारे संघर्ष और प्रयास किए, वो आज हमें उनके संघर्षों की, उनके सरल भाव की याद दिलाती है। मैं इस मौके पर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में जगा दे और दुख की इस घड़ी में उनके परिवार को इस कठिन जो दुख की घड़ी है सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ऐसे हमारे जो हमारे माननीय विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी, जो मेरा जब सदन में आए उस समय उनसे परिचय हुआ और उस समय जब चंपावत का चुनाव हो रहा था तो मैंने उनके अंदर जो भावना देखी कि उनके अंदर की जो भावना, त्याग और तमाम गरीब आदमी की सेवा, जिन्होंने कई छात्रों को निशुल्क, कई गरीब बेटियों की शादी और गरीबों के लिए हमेशा लगातार सेवा करते थे, और ऐसा सेवा भाव और उस चंपावत विधानसभा के लिए जिन्होंने अपना त्याग, आज तो जो अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे कि प्रधान भी अगर कोई बन गया तो भी अपना पद नहीं छोड़ता, लेकिन उनकी जो भावना थी वो सब हमको इस सदन को याद दिलाती रहेगी कि वास्तव में हम सबको भी उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। मैं भगवान से इस उनके भगवान उनके अपने चरणों में जगा दे और उनके इस दुख की घड़ी में उनके पूरे परिवार को जो है शक्ति प्रदान करे और मेरी जो संवेदना है उनके परिवार तक पहुंचाने का आप कष्ट करेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुरेश गड़िया जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बहुत ही सम्मानित सदस्य शैला रानी रावत जी, सभी सदस्यों की संवेदना से मैं भी अपनी बात को संबद्ध करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जिन भौगोलिक परिदृश्य और कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी शैला रानी रावत जी ने राजनीति में एक मिसाल पूरे उत्तराखंड को दी है और उसे हमको भी लगता है। जब मैं सदन में पहली बार यहां पहुंचा और उनसे मेरा परिचय हुआ और परिचय के पश्चात जो उनका भाव और जो उनका स्वाभिमान मैंने प्रत्यक्ष में देखा, तो उससे उत्तराखंड की पूरी झलक उनके चेहरे पर और उनके हाव भाव पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो एक शिक्षिका होने के साथ साथ क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष रहने के बाद वो पहली बार कांग्रेस से केदारनाथ विधानसभा से विधानसभा की सदस्य चुनी गई और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2022 में वो जब सदस्य चुन के आई तो उनका एक स्मरण मुझे याद आ रहा है कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा में थे तो उस समय मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं बद्रीनाथ पर था और तब जब मैं बद्रीनाथ से लौट के देहरादून आया तो दीदी भी बाद में देहरादून जब लौट के आई तो विधान
विधानसभा जो हमारे विधायकों का निवास है ट्रांजिट हॉस्टल में, उनका कमरा और हमारा कमरा अगल बगल ही है। तो बाद में जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि आज मेरा सपना सफल हो गया। और मैं दीदी से पूछता हूं कि आपने क्या सपना देखा, वो बोलती है दीदी कि मैंने जो केदारनाथ के लिए जो सपने देखे थे, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वहां सारी योजनाओं की घोषणा करने के साथ साथ भगवान केदारनाथ की जो सामने हमने उनको प्रत्यक्ष में देखा, तो आज एक तरीके से मेरा सपना पूरा हुआ है। तो इसलिए दीदी जो है लगातार मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के साथ साथ उत्तराखंड के प्रति बहुत संवेदनशील रहती थी, और जब भी हम विधानमंडल दल में उनको देखते थे तो सभी की बात को दीदी एक तरीके से प्रत्यक्ष में उठाने का भी काम करती थी। और सभी मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्रीगण हैं सभी को कैसे काम लिया जाता है, तो दीदी प्रत्यक्ष में सारे कामों को कराना भी जानती थी। तो ऐसे ही हमारे बीच में हमारे जो दूसरे सदस्य हैं कैलाश गहतोड़ी जी और मैं, 2004-05 में जब माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ चंपावत में जा रहा था तो रास्ते में बहुत सारे लोगों ने गहतोड़ी जी की बात कही, और गहतोड़ी जी तब जिला पंचायत के सदस्य हुआ करते थे और वो एक जगह पर बच्चों को कॉपी किताब बांट रहे थे, तो बहुत ज्यादा भीड़ रोड के किनारे पर लगी थी, तो हम लोग भी वहां पर रुके। तो उसके पश्चात गहतोड़ी जी से लगातार मिलना जारी था, और मैं अंत समय पर भी जब गहतोड़ी जी से मिला तब भी उनकी जो जीजी विशा थी और उनको देखने के पश्चात कभी ये नहीं लगता था कि ये कैंसर जैसे बीमारी से जूझ रहे हैं। और जब उन्होंने 2022 में चुनाव जीतने के बाद जब हम उस क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो गहतोड़ी जी एक ही बात कहते हैं कि हमारे चंपावत को आगे बढ़ाने के लिए जो दिशा मैंने दी है, वास्तव में इसको पूरा करने के लिए हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ठीक रहेंगे। तो जब बहुत लंबी बातचीत उनसे हुई तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।